हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक स्वागत है आपका आज की पॉलिटी और गवर्नेंस की जिस इंपॉर्टेंट बिल के बारे में डिस्कशन वो है राजस्थान मैरिज रजिस्ट्रेशन बिल हाल ही में न्यूज में क्यों बना रहा ये जो बिल पिछले महीने राजस्थान असेंबली ने पास किया जो कि 2009 का ओरिजिनल बिल है ऑन मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस इंक्लूडिंग चाइल्ड मैरिज उसको अमेंड करता है और जैसे ही ये बिल राजस्थान असेंबली ने पास किया उसके बाद लगातार कॉन्ट्रोवर्सीज में बना रहा सिचुएशन ऐसी हो गई कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान श्री अशोक गहलोत जी ने गवर्नमेंट के बिहाफ पे सभी को अश्योर किया कि गवर्नमेंट फॉर्मली ऑनरेबल गवर्नर से रिक्वेस्ट करेगी कि इस बिल को वापस कर दिया जाए पास ना होने दिया जाए या वेट ना किया जाए और इसको फिर से लॉ डिपार्टमेंट को एग्जामिनेशन के दिए दिया जाएगा ताकि जो भी क्रिटिसिज्म है जो गैप्स हैं जो इश्यूज हैं उनको प्रॉपरली एग्जामिन करके उनको एड्रेस किया जा सके बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज साथ ही साथ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर ने भी इसको विड्रॉ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को लगातार रिक्वेस्ट करते रहे हैं और उनका ग्राउंड यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं 2009 के ओरिजिनल बिल में वो जाने अनजाने में जो चाइल्ड मैरिजेस हैं इनको लीगलाइज करने की डायरेक्शन में कहीं कोई स्टेप तो नहीं हो जाएगा और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी पिटिशन फाइल किए हैं समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यह कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट रहा और क्यों लोग इसको अपोज कर रहे हैं हाल ही में राजस्थान कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस अमेंडमेंट बिल 2021 सेक्शन 8 जो है राजस्थान कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एक्ट 2009 को अमेंड करता है और उसमें एक सेक्शन है सेक्शन एट बेसिकली ड्यूटी टू सबमिट मेमोरेंडम कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी मैरिज हो उससे रिलेटेड मेमोरेंडम सबमिट करेगा टू द मैरिज रजिस्ट्रार उसको बेसिकली अमेंड करता है और ये जो है, ये जो एक्ट है अपने आप में एक मेमोरेंडम मेमोरेंडम क्या होगा या फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज क्या होगा उसको भी डिफाइन करता है इस अमेंडमेंट से 2021 के अमेंडमेंट से पहले जो 2009 का ओरिजिनल बिल था उसका सेक्शन 8 बेसिकली कहता है कि जो भी पार्टीज हैं जिन्होंने मान लीजिए ट्वेंटी वन ईयर्स की एज को क्रॉस नहीं किया हो उनके गार्जियंस या पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे इस मेमोरेंडम ऑफ मैरिज को सबमिट करने के लिए विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सोलनाइजेशन ऑफ द मैरिज तो ट्वेंटी वन ईयर्स एक ब्लैंकेट एज ब्रैकेट है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे ब्राइड हो चाहे बेसिकली ग्रूम हो ये जो अमेंडमेंट है ये जो एज है ट्वेंटी वन ईयर्स इसको सेग्रीगेट कर देता है अब ये बिल कहता है ये अमेंडमेंट के बाद ये बिल बन जाता है सेक्शन एट इसका बन जाता है कि जो भी पार्टीज हैं ब्राइड ग्रूम की अगर एज ट्वेंटी वन ईयर्स और ब्राइड की एज अगर एटीन ईयर्स से बेसिकली कम हो तो उनके पेरेंट्स उनके गार्जियंस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में मेमोरेंडम को सबमिट करेंगे तो काफी लोगों का कहना है कि जो एज ग्रुप पहले 21 इयर्स था अब हम उसको घटा के 18 और 21 कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लोवरिंग ऑफ एज ब्रैकेट 21 से 18 इयर्स एक चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करने की डायरेक्शन में एक गलत मैसेज चला जाए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का रिस्पॉन्स रहा कि ये अमेंडमेंट जो है ये टेक्निकल नेचर का है और इनफैक्ट जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है जिसमें अगर हम फीमेल्स की लीगल एज ऑफ मैरिज देखें तो 18 इयर्स है मेल्स की लीगल एज ऑफ मैरिज देखें तो 21 इयर्स है उसके साथ ये एट पार लाने के लिए अमेंडमेंट लाया गया क्योंकि तो राजस्थान का जो बिल है उसमें पहले 21 इयर्स चाहे आप मेल हो या फीमेल हो दोनों के लिए सेम एज ब्रैकेट रहा अब सेंट्रल लेजिस्लेशन के हिसाब से 18 इयर्स फॉर बेसिकली गर्ल चाइल्ड एंड 21 इयर्स फॉर बॉय दोनों के लिए अलग अलग एज ग्रुप या एज ब्रैकेट डिफाइन करने की कोशिश की इस अमेंडमेंट के थ्रू और राजस्थान गवर्नमेंट का यह भी आर्ग्यूमेंट है कि अगर मान लीजिए हम चाइल्ड मैरिज को रजिस्टर करते हैं तो उससे क्या होगा कि लोग प्रमोट होंगे इनको रजिस्टर करने के लिए जिससे गवर्नमेंट के पास उनकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली पहुंच पाएगी लोग छुपाना बंद कर देंगे चाइल्ड मैरिजेस को और उस कारण से जब इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज के पास टाइमली पहुंचेगी और एक्यूरेट पहुंचेगी तो गवर्नमेंट और अथॉरिटीज को स्टेप्स ले सकते हैं कि जो भी चाइल्ड मैरिज के विक्टिम्स हैं उन तक पहुंच सके और अगर उनको किसी लीगल असिस्टेंस की जरूरत हो या चाइल्ड मैरिज को वो खत्म करना चाहते हो एनल करना चाहते हो तो उस स्टेप में स्टेट गवर्नमेंट और अथॉरिटीज उनकी हेल्प कर सके क्रिटिसिज्म क्या रहा क्रिटिक्स कहते हैं कि जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है चाइल्ड मैरिजेस का ये कहीं चाइल्ड मैरिजेस को लेजिटिमाइज ना कर दें क्योंकि जब आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करेंगे चाइल्ड मैरिजेस का तो उसको आप एक मैरिज सर्टिफिकेट भी देंगे और तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मान लीजिए कोई चाइल्ड मैरिज को एनल करना चाह रहा हो या खत्म करवाना चाह रहा हो क्वेश करवाना चाहता हो तो कोर्ट इस मैरिज सर्टिफिकेट को देखने के बाद कहे कि जब मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू हो गया है कपल्स को या चाइल्ड कपल्स को तो ये लेजिटिमाइज हो चुकी है इसका एनुलमेंट इतना आसान ना हो और बहुत बार और ज्यादातर बार आप देखेंगे कि जो चाइल्ड मैरिजेस हैं जनरली गुपचुप तरीके से सीक्रेट तरीके से पब्लिक स्क्रूटिनी से दूर की जाती हैं और उनको प्रूव करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है अमेंडमेंट से पहले भी जो रजिस्ट्रेशन था चाइल्ड मैरिजेस का वो सेक्शन एट में पहले भी कंपलसरी था तो एक बहुत बड़ी गलत फहमी लेकर है कि इस नए अमेंडमेंट ने चाइल्ड मैरिजेस अगर होंगी या जिनकी एज बेसिकली एडल्ट्स की नहीं होगी उनके मैरिज का रजिस्ट्रेशन पहले कंपलसरी नहीं था यह मित गलत है रजिस्ट्रेशन पहले भी कंपलसरी था अब गवर्नमेंट ने सिर्फ बेसिकली वुमेन की एज लिमिट जो पहले 21 थी ट्वेंटी दोनों जेंडर्स के 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 लिए लिए एज एज लिमिट लिमिट 21 था उसको घटा 18 कर दिया है women, है फॉर वुमेन और मेल जो उसको 21 ही कर दिया है तो पहले भी चाइल्ड मैरिज को रजिस्टर करवाना कंपलसरी था एज पर द लॉ लोग नहीं करवाते वो एक अलग चीज है तो नए सेक्शन में एज लिमिट के अलावा और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है अब आप सोच रहे चाइल्ड मैरिज क्या रजिस्टर हो सकते हैं आपको क्या लगता है क्या लीगली चाइल्ड मैरिजेस रजिस्टर हो सकती हैं एज पर द लीगल प्रोविजन ऑफ द कंट्री वट यू थिंक चाइल्ड मैरिजेस पर से इीगल हैं लेकिन जो लीगल फ्रेमवर्क है वो ये प्रोवाइड करता है चाइल्ड मैरिज को कैसे रोका जाए जैसे जो लॉ है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट वो बेसिकली अलाउ करता है कि अगर किसी की चाइल्ड मैरिज हो जाए तो ब्राइड या ग्रूम जब वो एज ऑफ Majority, मतलब वो माइनर है छोटे बच्चे से अडल्टुड में चले जाते हैं है, majority है 21 years, 18 years में पहुंच जाते हैं और क्योंकि हमारी मर्जी से नहीं हुआ था हम बच्चे थे तब बेसिकली फोर्सफुली कर दिया गया था तो दोनों में से इस चाइल्ड मैरिज को कोई भी किसी भी स्टेज पे खत्म करवा सकता है लेकिन अगर मान लीजिए चाइल्ड मैरिज हो गई और दोनों पार्टीज इस चाइल्ड मैरिज को खत्म नहीं करवाना चाहते तो अगर वो चाहें तो इसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवा के एज ए मैरिड कापल फॉर लाइफ लॉन्ग लेजिटिमेट मैरिज की तरह कंटिन्यू कर सकते हैं और इसका रीजन ये है कि अगर कोई कंटिन्यू करना चाहता है तो बेवजह उनकी मैरिज को क्यों ब्रेक किया जाए अगर दोनों कंफर्टेबल हैं दोनों तैयार हैं दोनों की शादी हो गई दोनों ने रजिस्ट्रेशन करवाया दोनों मेजर हो गए और दोनों का अभी भी एग्रीमेंट है कि हमको चाइल्ड मैरिज का नहीं करवाना है तो वो कंटिन्यूसली अपनी मैरिज को मेंटेन कर सकते हैं लेकिन कुछ जो कंडीशन हैं उसमें चाइल्ड मैरिज ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी कि अगर माइनर को फोर्सफुली आपने चाइल्ड मैरिज करवाई है किसी की किडनैपिंग करवा के चाइल्ड मैरिज करवाई है या फिर आपने मैरिज करवाई है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रमोट करने के लिए उन केसेस में ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड समझी जाएगी ऐसी मैरिज तो फिर किस तरीके से जो हमारा एग्जिस्टिंग लॉ है वो चाइल्ड मैरिज को रोकने की कोशिश करता है जो सेक्शन नाइन है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट वो बेसिकली कुछ पेनल्टीज का प्रोविजन करता है जैसे जो मेल हैं उनको दो साल टू ईयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट विद ए फाइन ऑफ वन लाख रुपीज अगर कोई भी मेल एडल्ट माइनर गर्ल के साथ शादी करता है विद और विदाउट हर अप्रूवल सेक्शन टेन है कि जो भी ऐसी मैरिज को परफॉर्म करेगा कंडक्ट करेगा या फिर डायरेक्ट करेगा अबेट करेगा उसको रिग्रेस इंप्रजेंटमेंट दिया जाएगा अप टू टू और उसके साथ वन लाख रुपीज तक फाइन किया जाएगा जब तक कि वो ये ना प्रूव कर दे कि जो वो मैरिज में एंटर कर रहा था वो एक्चुअली चाइल्ड मैरिज नहीं थी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ टू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया टू जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हालांकि और आपने हमारी मैरिटल रेस के वीडियो में भी देखा होगा मैरिटल रेप के वीडियो में भी देखा होगा कि हालांकि मैरिटल रेप इंडिया में एक क्राइम नहीं है लेकिन चाइल्ड मैरिज के केस में यह जो मैरिटल रेप एक क्राइम नहीं है यह प्रोटेक्शन हम एप्लीकेबल नहीं होने देंगे इसका मतलब अगर कोई किसी माइनर गर्ल के साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स करता है अगर शादीशुदा है उसका हस्बैंड ही करता है तो उसको भी रेप माना जाएगा इसका मतलब कि अडल्ट के लिए जो प्रोटेक्शन है बेसिकली मैरिटल रेप रेप नहीं माना जाएगा अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है लेकिन अगर चाइल्ड मैरिज में हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ फोर्सफुल सेक्शुअल इंटरकोर्स करता है जिसके लिए कंसेंट नहीं है वाइफ का या इवन माइनर गर्ल कोई भी उसको अपोज करती है तो उसको रेप माना ही जाएगा तो जो मैरिटल रेप है एज पर लॉ क्राइम है या नहीं है क्राइम नहीं है लेकिन माइनर के केस में रेप एक क्राइम है या नहीं है क्राइम बिल्कुल है दोस्तों अब जो रजिस्ट्रेशन है चाइल्ड मैरिजेस का क्या वास्तव में मैरिज को लीगल या लीगैलिटी बेसिकली ऑटोमेटिकली दे, दे देगा ऐसा नहीं है सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार 2006 थाउजेंड सिक्स द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है कैसे भी मैरिज हो उसको कंपल्सरी किया जाए और कई सारे स्टेट्स चाहे वो कर्नाटक हो उत्तराखंड हो उसमें भी सिमिलर प्रोविजंस हैं कि आप चाइल्ड मैरिजेस को भी रजिस्टर करेंगे रिकॉर्ड करेंगे और 2019 में केरला हाई कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया उन्होंने कहा केरला हाई कोर्ट ने कहा कि लॉ में ऐसी कोई बेसिकली बार नहीं है कि आप चाइल्ड मैरिज को रजिस्टर ना कर सके और 2008 का जो केरला गवर्नमेंट का बेसिकली एक सर्कुलर रहा जिसमें चाइल्ड मैरिज को कैसे रजिस्टर किया जाए उसके कुछ रूल्स थे उस रूल्स को अपहेल्ड किया दोस्तों तो दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने कोशिश की है कि चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड क्या लीगल प्रोविजन है राजस्थान का हाल ही में जो मैंडेटरी बेसिकली चाइल्ड मैरिज या मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसको लेके क्या कंट्रोवर्सी रही बहुत सारी मिथ्स हैं कि अब चाइल्ड मैरिज को लीगलाइज कर दिया गया है कंपलसरी बेसिकली उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पहला ऐसा नहीं था ऐसा नहीं है पहले भी कंपल्सरी था सिर्फ एज ब्रैकेट को थोड़ा सा एडजस्ट किया गया है और राजस्थान इकलौता स्टेट नहीं है जहां पे मैरिजेस का कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जरूरी है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में कई सारे हाई कोर्ट्स ने अपने जजमेंट्स में कई सारे स्टेट्स चाहे केरला हो उत्तराखंड हो एक्सेट्रा वहां पर भी चाइल्ड मैरिजेस का रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स हैं फोर एंड बेसिकली अगेंस्ट फोर यह है कि अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो हम उसमें कुछ एक्टिव एक्शन ले पाएंगे अगेंस्ट यह कहीं गलत मैसेज सोसाइटी को ना पहुंचा दे तो दोस्तों ये जो इंफॉर्मेशन है इसको आप यूटिलाइज कर पाएंगे अपने ऐसे राइटिंग में इसको यूटिलाइज कर पाएंगे आप अपने इंटरव्यू में इसको आप यूटिलाइज कर पाएंगे एथिक्स के पेपर्स में केस स्टडीज में या जनरल स्टडीज में आंसर राइटिंग में इस डेटा को प्रोविजन को इन जजमेंट्स को कोट करके स्टे ट्यूड फॉर असट वीडियोजेन जय हिंद जय भारत